आमतौर पर ऐसी घरों में या किसी हॉल में फिट होते हैं, लेकिन किसी आउटडोर फंक्शन में सोफे में अगर लगी एसी हो तो आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप खुले में सोफे पर बैठकर एसी का मजा ले सकते हैं। इस एसी सोफे का आइडिया ईजाद किया है गांधीनगर के एक बिजनेसमैन ने और इसे असली रंग दिया अहमदाबाद के राष्ट्रीय डिजाइनर संस्था ने। ये एसी सोफा काफी हल्का है और इसे कहीं भी रखा जा सकता है। ये दिखने में आम सोफा की तरह है, लेकिन इस सोफे पर बैठकर गर्मी नहीं लगेगी। इसे कहीं भी रखा जा सकता है। ये खुले आसमान में, किसी आउटडोर फंक्शन में, हर जगह भीषण गर्मी में ये रखेगा आपको ठंडा ठंडा कूल कूल। आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये कोई आम सोफा नहीं है। इस सोफे में लगा है एयर कंडीशन। ये है एसी वाला सोफा। इसमें लगा है कूलिंग सिस्टम। तस्वीरों में देखिए कैसे दोनों तरफ हाथ रखने की जगह पर एसी की तरह ब्लोअर लगे हैं, जिसमें से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। इस पर बैठते ही गर्मी नहीं लगती और चारों तरफ एसी की ठंडी हवा की लेयर बन जाती है और बैठने वाले व्यक्ति के शरीर का तापमान कंफर्ट जोन में रहता है। ये सोफा दिखने में एक नॉर्मल सोफे की तरह है, लेकिन आप देख सकते हैं इसकी जो खासियत है वो ये है कि जब कोई व्यक्ति इस पर बैठा होता है उसके चारों तरफ एक लेयर क्रिएट कर देता है कूल एयर की, जिससे टेम्परेचर जो है बॉडी का वो कंफर्ट जोन में मेंटेन रहता है। इस एसी सोफे को ईजाद किया है गांधीनगर के बिजनेसमैन दशरथ पटेल ने। दशरथ पटेल पहले बिजली का काम करते थे, कई फंक्शन में जाते थे जहां पर लोगों को गर्मी से परेशान होते देखा, तो इनको आइडिया आया क्यों ना एसी सोफा बनाया जाए और लग गए इस मुहिम में। जो एसी नॉर्मल होता है वो रूम के लिए ही होता है, वो क्लोज एटमॉस्फेयर में ही यूज होता है, लेकिन हमने ऐसा सोचा कि कोई ऐसा एसी बनाए जिसमें आउटडोर में भी यूज कर सके, कि कोई आदमी बैठ के उसमें पूरा कंफर्टेबल फीलिंग कर सके, वो जो उसका काम है उसका जो काम का रिजल्ट है वो इम्प्रूव कर सके। शुरुआत में ये काफी भारी था जो कारगर नहीं था, फिर दशरथ पटेल को अहमदाबाद के राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान का साथ मिला, उसके बाद इस सोफे की स्टाइल ही बदल गई। NIT के डिजाइनरों ने लकड़ी की जगह फाइबर का इस्तेमाल करके इसे 35 किलोग्राम के वजन का कर दिया। इसमें अभी हमने अंदर एक फाइबर रेजिन का एक मोनोलिथिक बॉडी है, जिसके अंदर ब्लोअर और वेंट्स और वो सिस्टम लगा के हमने इसका फंक्शन सॉल्व किया है, और उसके ऊपर हमने PU फोम का कोटिंग करके वी हैव गॉन द फैब्रिक वर्क डन, लाइनिंग वर्क करके ये सोफे को हमने एक आम सोफे जैसा लुक एंड फील दिया।